जलेगी तो सही ना, सूझेगी तो सही ना आपकी, क्रिटिसिज्म तो आप करोगे, गालियां तो दोगे आप विराट कोहली को। अगर विराट को कुछ बोला तो मैं आपका ऑस्ट्रेलिया में आके घंटा बजा दूंगा, मैं आपका ऑस्ट्रेलिया में आके घंटा बजा दूंगा। और भाई और पाकिस्तानी लोगों की तरह ना बनो, विराट ने अच्छी नहीं खेली है ना तो उसको प्रेज करो, पाकिस्तानी लोगों की तरह ना बनो। जबरदस्त भाई, जडेजा ऑन फायर भाई, क्या बॉलिंग है आज की, बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। पहले मरीटा के काम आती थी, इंडिया के आगे हर टीम के काम आती है, तो इंडिया बुमराह की बॉलिंग और जडेजा का जो जादू है ये तो वैसे ही बड़ा फेमस है क्रिकेट के अंदर। अगर देखा जाए और भारत की बॉलिंग हो तो जडेजा और बुमराह तो हमेशा मतलब याद रखे जाते हैं। और कौन है विराट कोहली आपको पता चले, केएल राहुल, संदीप, प्रेशर मैच में प्रेशर का प्लेयर आता है, प्रेशर मैच में पता चलता है क्रिकेट में। ये जो आजकल चुन्ने मुन्ने आए हैं इन्हें क्या बता, विराट कोहली किस ब्ला का नाम है। When it comes to big match, the big man always delivers. पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है और आज पाकिस्तान के लिए एक और खतरे की घंटी बजी है, यानी ये वो पिच के जिस पे भारत ने जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि इस वर्ल्ड कप के दावेदारों में से एक दावेदार समझी जा रही थी, उनकी पूरी टीम को 199 रन पर आउट कर दिया। ये वो जो अब इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगाया, खास करके जडेजा, कुलदीप यादव और अश्वन ने बिल्कुल जो है वो उनकी जो बैटिंग है उसको पिच के ऊपर नचवाया, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। उनके बैटर्स पिच के ऊपर नाचते हुए नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो प्रेडिक्शन में कह रही थी कि हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना फाइनल मैच खेलेंगे। ये मिचेल मार्श जो बकवास कर रहा था बैठ के कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हम अपना फाइनल मैच खेलेंगे इस वर्ल्ड कप का, उस ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ने ऐसा घंटा बजाया है, ऐसा घंटा बजाया है कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रोता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और जिस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका लगाया ना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो जिसमें रिकी पोंटिंग आ जाते हैं और भाई ये सारे रोते हुए नजर आ रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल रात को हुए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से रौंद दिया, जो 6 विकेट से हराया। और इसमें हमारे विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार शतक बनाया, जिसमें विराट कोहली ने 85 रन बनाया और केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे। इसे में हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया मीडिया में हाहाकार मचा हुआ। ऑस्ट्रेलिया मीडिया में बोल रहे हैं सब कि ये सब अपने लिए ही पिच बनाते हैं, स्पिन पिच बनाते हैं, और ये सब जान रहे थे कि हाँ ये बाद में अच्छा खेलेगा, लेकिन तो ये नहीं जानते कि अपने ही पहले टॉस जीते और फिर बैटिंग लिया, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया मीडिया में सन मार्स को सब गाली दे रहे हैं कि उसने मैच को हरवा दिया और विराट कोहली का कैच छोड़ दिया, जो 12 रन पर था, तभी उसका कैच ले लिया होता तो हम मैच जीत गए होते। भारत का ऐसा बैटिंग देख के ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी सकते में आ गया है कि अब तो ये लग रहा है कि विश्व कप जीत कर ही रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं और मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। ऑस्ट्रेलियन मीडिया मैच तो हार गए हैं भाई, सबसे पहले तो उनके जो फैंस हैं उनका जो मीडिया है वो मिचेल मार्श को अब्यूज कर रहा है भाई, कि मिचेल मार्श ने जो है वो कैच क्यों ड्रॉप किया। और हकीकत बात यही है कि वो कैच नहीं, वो मैच था जो मिचेल मार्श ने हाथों में से ये करके छोड़ दिया और हाथ भी उस बंदे का बॉल के ऊपर नहीं लगा। इस पर दो सोच के जो है लोग हैं भाई, एक तो पाकिस्तानी लोग जो है इस पर घटिया बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मिचेल मार्श ने जो है कैच तो छोड़ दिया लेकिन जो है वो उन्होंने आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना सेव किया, यानी कि इस तरह की घटिया बातें भी हो रही है। लेकिन देखा गिल ना होना, रेगुलर कप्तान लोग कह रहे थे हमारे पास ईशन किशन है, मसला ही कोई नहीं है, ये है चेज मास्टर। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इनकी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, बैटिंग इनकी अच्छी है, बॉलिंग में आपको है नहीं। चुन्ने मुन्ने दो चूजे थे, घर से निकलते हैं बदतमीजी करते हैं, बंदे को चाहिए कि थोड़ी तमीज करे, क्रिकेट यही रह जाएगी। वो देखे पाकिस्तान को हर जगह लोग लेके आते हैं, वो देखे वो जारवो, वो ये सारे तमाशा बनाते हैं हमारे, मैं आपको बता रहा हूं, दे ऑल मेक फन ऑफ अस, ये मजे लेने आते हैं हमारे। मैं तो कहता हूं इंडियन सिक्योरिटी वालों को यहां से पकड़ के उसका रतेड़ना चाहिए था। माइकल वान का ट्वीट भाई, दुनिया के हर मुल्क में जहां आप जाते हैं तो क्या वो आपसे पूछ के पीछे बनाते हैं क्या, आपके जूते पॉलिश करते हैं। जब इनको कुछ नहीं ना मिला तो इन्होंने जी नया ड्रामा शुरू कर दिया, पिच पे सारी बात ले आए हैं और विराट कोहली को जी बुरा भला इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बताता हूं मैं भाईजान, इन्होंने बोला कि जी इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई है, अपनी मर्जी की इन्होंने टर्निंग विकेट बनाई है, जिसके बाद जो है वो इंडिया ने बाद में जो है इंडिया को पता था कि विकेट टर्न नहीं लेगी, पहली जो है वो बारी में विकेट टर्न लेगी, इंडिया ने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो अपनी मर्जी की पिच बनाई और फिर हमें मैच से आउट किया, ये किया वो किया, इनकी ये खासियत है, खाने के काबिल नहीं रहे, 200 भी नहीं हुआ, लानत है आप पे, लानत भेजता हूं मैं ऐसी टीम पे, लानत भेजता हूं मैं ऐसी
ऐसी वर्ल्ड क्लास टीम पे कि आपको समझ नहीं आई आपने करना क्या। यार इंडिया की मैं कितनी तारीफ करूं इस मैच में, इंडिया की इस बॉलिंग की मैं कितनी तारीफ करूं, मैं कितनी तारीफ करूं। सबसे पहले तो माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया आज इंडिया ने। रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज मिल के सब ने घंटा बजा दिया। हर बंदा आया अपनी तौफीक के मुताबिक। मार्च ने जानबूझ के कैच छोड़ा, तो ऐसी घटिया बातों को इग्नोर ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खुद कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन जब दूसरा जो है जीत जाता है भाई वो जलने लगते हैं। इसी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 351 बना लिए थे और पाकिस्तान को फेंटा लगा दिया था। और अब जो पाकिस्तानी कुछ दोस्त जो है वो जल रहे हैं भाई, और वो जो है ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सब नहीं कर रहे, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ जो है वो 10-15-20% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें जो है वो हसद पाया जाता है, जलते हैं और वो ऐसी घटिया किस्म की बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की ये पिछली खसूसियत है, ये जब से ठुकते आ रहे हैं ना इंडिया के हाथों, क्योंकि एशियन टीम ना इन ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ना एक वो गुरूर होता था कि एशियन टीमें हमें नहीं मार सकती, एशियन टीमें हमें नहीं ठोक सकती। जब से इंडिया ने इनको इनके घर में जाके हराना शुरू किया है, जब से इंडिया ने इनको जीतना भी नहीं, एक मैच भी नहीं जीतने देती इंडिया, आपके आगे झुक जाते हैं क्या, मिन्नत तल्ला करते हैं, तो जब वो नहीं करते तो आप क्यों माजरत खाना रह जाए अपनाते हैं। व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ दिस सो कॉल्ड नट्स। आउट था कि शायद कहीं ना कहीं पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत अच्छा टारगेट इनको देगा और इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ टाइम जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने स्कोर किया है मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि मतलब थोड़ा सा कम से कम खेलने के लिए फाइटिंग मैच होता ना, मतलब बिल्कुल ही, मतलब ये तो अफसोस की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम जिसका नाम है, मतलब मैं बचपन से देखता हूं तो ऑस्ट्रेलिया एक जिन था वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली वो जाइंट होता है, जाइंट था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इंडिया जीतने नहीं देती ना उनके घर में और ना अपने घर में, तो ये कितने प्राउड की बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रो रहा है कि पिच बड़ी बुरी बनाई है, इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई है, ये किया है, वो किया है, विराट मिचेल मार्च को बड़ा अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिचेल मार्च ने जो कैच छोड़ा ना वो कैच नहीं था, वो मैच था। अगर वो कैच पकड़ जाता फिर मुश्किल हो जानी थी। मिचेल मार्च को बड़ा अब्यूज किया जा रहा है कि मिचेल मार्च ने जो मिचेल मार्च इस वक्त तो यार इससे नजर आता है कप इनका, कप इंडिया का, कब है और किसका हो सकता है यार। देखें बीस कौन थी वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया, उसको उन्होंने क्या ये इसी ग्राउंड में आप 350-370 का सोच रहे थे इतना टारगेट मिलेगा इंडिया को, मुश्किल होगी चीज करने में। इंडिया ने तो परेशान ही कर दिया, उन्होंने 200 पे पैक करके ये कहा ये आपकी ऑस्ट्रेलिया पड़ी हुई है। अब हम 176 जो है वो डॉट वाले ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने खेल लिए भाई पूरी इनिंग्स में, 49.4 कुछ बॉलें खेली उन्होंने, लेकिन उनमें जो 176 जो ऑस्ट्रेलिया ने डॉट बॉलें खेली हैं, ना उनसे चौका लग रहा था, ना उनसे छक्का लग रहा था, और ना ही जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे, वो सिंगल लेने के लिए भी तरसते हुए नजर आए। तो अब अगर देखा जाए तो इंडिया के स्पिनर्स, आपको मालूम है कि जहां पर जो स्पिन ट्रैक होता है चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो श्रीलंका में हो या एशिया की कोई भी कंडीशन हो, वहां पर जो है वो किसी को हिलने का मौका नहीं देते हैं और बैटर्स के लिए वो कबर खोद के रख देते हैं उस पिच के ऊपर जहां पर जो स्पिन को जरा सी भी हेल्प मिलने लग जाए। तो ऐसा ही कल भी हुआ, चेन्नई की विकेट है आपको मालूम है और यहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और कल भी हेल्प मिली और फिर जडेजा और जो है वो अश्विन और कुलदीप यादव ने अपना काम कर दिखाया जो वो अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। बताएं जब इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया कि आपको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया इतने कम स्कोर पे आउट हो जाएगा? मुझे लगा था कि यार 325-300 पहले जगह रिसेंटली जैसे स्कोर लगा 300 प्लस होगा, ये नहीं सोच रहे थे कि यार इंडिया इतने में पकड़ लेगी। यकीन है आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया शोर मारते मुंह ऐसे बना हुआ था यार जैसे पता नहीं कितना डर है, क्या खौफ है, जैसे कोई 8-10 हुए पत्र इकट्ठे नहीं खड़े करती होते, वो वाला सिस्टम था। तो पता नहीं यार वो किस चीज का ऑस्ट्रेलिया को डर है, असल में इंडिया का ना यार प्रेशर बहुत बन चुका है टीम के ऊपर। अब पहले हमारी टांगे कांपती थी इंडिया के आगे, हर टीम की कांपती है। तो इंडिया देखिए हमें बोलिंग तो बिल्कुल अच्छी है, बोलिंग बहुत अच्छी उन्होंने की, लेकिन देखिए वहाँ पे कितनी गर्मी थी, उस गर्मी में भी इतनी फील्डिंग, इतना भागकर जाना, बॉल को पकड़ना, ईशान किशन की आप फील्डिंग देख लें, विराट के कैचेस देख लें, यार ड्रॉप हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक क्या ड्रॉप हुआ ना आपको सारा मोमेंटम गिर जाता है, लेकिन अगर उनसे ड्रॉप हुआ तो उन्होंने 5 पकड़े भी हैं, उन्होंने ना अपने आपको गिरने नहीं दिया, अपने आपको स्टेबल रखा है। और देखें वो ये वो टीम करती है जिस टीम में लॉन्ग टर्म के लिए जीतना होता है। इंडिया फाइनल में जा रहा है, दूसरी टीम जो मुझे लग रही है वो इंग्लैंड जा रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बोला है कि जी इंडिया जो है वो इंडिया ने चीटिंग की है पिच में। अजा मेरी बात सुना जरा, जब इंडिया आपके घर आता है, जब इंडिया घंटों आपके घर में आता है, आप इंडिया की मर्जी की पिचेस बनाते हो, बाउंसी ट्रैक नहीं बनाते उधर, इतना इतना बाउंसी ट्रैक ग्रीन विकेट बना देते हो। इंडिया ने आपके घर में जाके ना, आपके घर में जाके आपका जो गाबा है, गाबा का घमंड वो तोड़ा हुआ है, आपके घर में जाके पिछली 2018 वाली और 2020 वाली दो बैक टू बैक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके घर में जीती हुई है और दो अपने घर में। पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप इंडिया से नहीं जीते हुए, पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप उनका जो मीडिया और उनके जो फैंस हैं वो जो है वो अब्यूज कर रहे हैं भाई मिचेल मार्च को कि तुमने जो 12 स्कोर पे विराट कोहली जैसे बंदे का कैच छोड़ दिया और उसने फिर जो हमें फेंटा लगा दिया। और हकीकत यही है कि कोहली जैसे प्लेयर का जिसको चेज मास्टर कहते हैं 200 स्कोर चेज हो रहा है और उसका आप कैच छोड़ दें भाई, वो आपको कच्चा खा जाएगा, जो कि कल विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को कच्चा नहीं खाया और केएल राहुल ने तो कोई कसम नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह जडेजा ने बॉलिंग की, बुमराह ने की, उसकी ऑल ओवर बॉलिंग देख लें, ये तो इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया को 200 बना गई पाकिस्तान
पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है जैसे श्रीलंका ने 50 बनाया था एशिया में, जब तक टीम में बगैरत लोग हैं ना हम वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते। हम ख्वाब ही देख सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप आएगा, जैसे हमारे बाबर के अंदर एक जुनून है वर्ल्ड कप जीतने का। उसने वो क्या गया यहाँ से, क्या बाबर वर्ल्ड कप लेके आ सकते हैं? मैं ये कहूंगा पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रहा है भाई, नहीं जाएगा, मैं सर कलम करवा दूंगा। दोस्तों जब भारत की पारी शुरू नहीं हुआ तो लग रहा था भारत आसानी से मैच जीत लेगा, लेकिन 2 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भारत को लगा कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन हमारे दो जवानों ने विराट कोहली और केएल राहुल ने अकेले दम पर मैच को जिता दिया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस पर बहुत चीजें हो रही हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।